हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ हिंदी। मेरा नाम है भाग्यश्री। और मेरा नाम है राज। और आज रिएक्ट करने वाले हैं हम लोग यश पीर्थ बटूरा ग्लेशियर पार्ट 3। इट इज अ व्लॉग बाय मोरू। हाँ, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस कर दिया है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, प्लीज चेक देम आउट बिफोर यू वॉच दिस। और मुरू को भी सपोर्ट करना मत भूलना, मुरू का ओरिजिनल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। सब्सक्राइब टू हिम, सपोर्ट हिम, एंड नाउ लेट्स एंजॉय। मैं हूँ इस वक्त यशपर्त में। यशपर्त यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल था। डेफिनेटली मुश्किल ना होता तो मज़ा भी ना आता। ये इलाका पाकिस्तान का तो हिस्सा है ही, लेकिन ये किसी का घर भी है। और जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो उनके रहने सहने के तरीके से आपको वाकिफ होना चाहिए। जब आप पॉटी करें तो उसके ऊपर ज़रा थोड़ा मिट्टी फेंक दिया करें, वरना बू बुड़ी आती है। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हम अपने साथ लेके आए, ताकि नज़ारा कशी के साथ साथ इस ज़मीन पे इसी के तरीके की ज़िंदगी आजमा सके। टाइम पिक करने ऊपर चले गए हैं और मैंने फैसला किया है कि आज का दिन रेस्ट होगा। जो कोई बाथरूम नहीं है, कोई शावर नहीं है, बस पीछे एक नलका लगा हुआ है, उस पर रोज़ सुबह सुबह हम मैक्सिकन स्टाइल नहा लेते हैं। कुछ पोर्टर्स वापस जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है, कौन कौन इधर रह रहा है? मैं जा रहा हूँ भाई। यार आपने मुझे कुछ अर्ज किया था कि अपने बच्चे कुछ कुछ नाश्ता जो ना मुझे रख देना, वो कप का पड़ा हुआ है और ठंडी हो रही है, तो आप चलने का तो दिल कर रहा है, आप चले ना। ओके जी, ये तो आखिरी दम तक हमें नहीं छोड़ेंगे। और मजे की बात आप लोगों को बताऊँ कि बैराम भाई की हट में ना खाना भी बन रहा है, लेना थोड़ा स्पेशल बनाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। तो मुझे तो यूँ लग रहा है कि एहसान भटूरा विजिट सिर्फ खाने के लिए उसने विजिट किया हुआ है, जी भर के खा लूँ, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा नाश्ता मैंने अपनी तरफ से नवाजिश फरमाया है। एहसान लेकिन बहुत एंटरटेनिंग है। हाँ, अमान ने सनब्लॉक यहाँ पे कहीं रखा है, बहुत ज़रूरी लगाना पड़ेगा वरना मुँह तो जल गया भाई। यार चलो सनब्लॉक ट्रैवल ब्यूटीफुल पाकिस्तान की डोनेशन है और गोर्नियर के जानिब से अब गोर्नियर इस्तेमाल करते हैं, अब सफेद हो जाते हैं। इट्स लाइक व्हाइट पेंट व्हिच डिफ्लेक्ट्स लाइट। ए ओनर ऑफ गोर्नियर, इफ यू आर वाचिंग दिस, यू आर अ डेड मैन लाइक मी। वी कैन हैंग कप्स एंड स्ट्रेट वाली है। हाँ जी। चंगेज आपके क्या प्लान है? के चेनसॉ और जो बेसिक औजार हैं नीचे ले जाएंगे, जो पुराना हट कोलैप्स हुआ हुआ है जिसकी हम लोग लकड़ी रिक्लेम कर रहे हैं। इफ द चेनसॉ इज स्ट्रगलिंग टू मच, वी विल नॉट कट वर्टिकल, वी विल कट इनटू स्लिवर्स एंड देन शेव इट ऑफ विद अ बेसिक टूल। यार ये कौन सी वाली लकड़ी के लॉग्स हैं? क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर हम उसको साइड से काटें तो वो चेनसॉ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साइड से काटे क्या मतलब? यार वर्टिकल जब आप ग्रेन के अगेंस्ट काटते हो ना तो चेन बिल्कुल ऐसे खत्म हो जाता है। मेरे पास एक ही चेन है। और वो चेन अगर साइकिल पे ना लग सके तो? तो फिर चेन सब मेरे हाथ में होगी और आप आगे भाग रहे होगे। मैं शिकार करेगा आज हमें चंगेज। ये मसला तो अभी जल्द सही होता नज़र नहीं आ रहा। इस तरह के देहाती पस मंज़र में जहाँ पे कोई मशीनरी पहले से है नहीं, ना तेल का नामो निशान, ना कोई रिपेयर करने की सलाहियत किसी में, वहाँ पे मशीनरी अगर फेल हो जाए तो सारे प्लान्स ठप हो जाते हैं। ये हो नहीं सकता कि मुश्किल काम को मुमकिन ना बनाए, मुश्किल चीज़ को आप आसान बनाओ। अब मैंने सुना आरे से काम चलाएंगे। डिफिकल्ट हो गया ना इमीडिएटली। फीलिंग्स मुझे सबसे अच्छी आ रही है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं वो किसी ना किसी हवाले से मदद कर रहे हैं इस शेपर्ड हट को बनाने में। तो करीम भाई ये आपकी हट है? जी सर, ये मेरा है। माशाल्लाह, लंबा सफर तय करके आया तो बड़ी हिम्मत है आप लोगों की। थोड़ी हमने सफाई की है, मैंने भी की है, ये मास्क पहना हुआ है। देसी वो चूल्हा नहीं होता दरवाजे के साथ, वो यहाँ पे आ जाएगा। 10 किलो जब लकड़ी जलाते हैं ना साथ,
काफी अहम किस्म के फैसले किए जा रहे हैं इंटीरियर डिजाइन के बारे में और अथीना चिल कर रहे हैं। इस जगह को हल्के हल्के टच दिए जा रहे हैं। नीरज को बिल्कुल नहीं पसंद इस जगह को तब्दील करना। इट्स गोइंग टू टेक अवे फ्रॉम द ऑर्गेनिक ब्यूटी ऑफ इट्स नेचुरल एक्सिस्टेंस। ऑर्गेनिक ब्यूटी जो कि खुद है। तो निकालो फिर ड्यूलक्स का पेंट और बनाओ इस जगह को ब्यूटीफुल। द फैक्ट दैट इट्स एंटी बैक्टीरियल इज अ बोनस। रंग को मंजर के हिसाब से होना चाहिए, तो इसलिए हमने प्रेरी ग्रास और गार्डन हेवन का रंग इस्तेमाल किया। इतने सारे बकेट्स कैरी किए ना? हाँ ना। यशपर्थ के रहने वाले लोग बहुत चुस्त और तंदुरुस्त होते हैं। पोर्टर्स एमएमए के शौकीन हैं। मेरे से पूछते हो तो मुझे लड़ाई बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो सफाई पसंद इंसान हूँ, मगर सारा तरीन ने हमें फिर भी सिखाने की कोशिश की। वक्त है काम यशपर्थ में लड़ने के लिए। और देखो कितने तारे हैं आसमान में अपनी कहानी लिखने के लिए। ये हमारा तीन बंदों का टेंट है। टेंट के इस तरफ एक मर्द के पैर आते हैं, टेंट के इस तरफ एक लड़की का बूथा आता है। मैं दरमियान में सोया हुआ हूँ। लड़की इस खिड़की से बाहर निकल जाती है, लड़का इस खिड़की से बाहर निकल जाता है। मैं बीच में फंसा रह जाता हूँ। थोड़ी चिलिंग भी तो होनी चाहिए। कभी मैं शायर, कभी गहरी बातों में माहिर, कभी मैं शोला, कभी मैं खाक में सोया हुआ नूर, ख्वाबों की धूल। उफ़, ये सीनरी मुझे बर्बाद कर डालेगी। कैमरा निकालो। ये सोलर पैनल की प्लेट है, मैंने इसके अंदर कंट्रोलर लगाया। हमारे पास एक ड्राई बैटरी है, आपको दिखाने वाला हूँ। लॉक हुआ हुआ है। थोड़ा सा चल के दरख्त देख लिया, थोड़ा सा इधर मुड़ के पहाड़ देख लिया। पानी पीने जाना होता है तो आपको इंक्लाइन पे 10 मिनट वॉक करना होता है। इफ यू वांट टू गो टेक अ लीक इन द बुशेस इट्स लाइक 15-20 मिनट्स। जब मैं वहां से सफर कर रहा था ना तो मेरी पेन हो रही थी, तो यही मुश्किल था मेरे लिए। नो इट्स इजी मैन, बट द गर्नियर That trek was the most challenging thing I've ever done. You have to be prepared. Right, Amar, can you wash the cups now? Okay. I hate buzzer life, man. मुझे सबसे मुश्किल पार्टी करना लगा क्योंकि जगह ढूंढनी पड़ती है। आदत नहीं यार मुस्लिम शावर के बगैर। और साथ में कीड़े मकौड़े और दीगर हैवानात के साथ लिविंग स्पेस शेयर करने की भी आदत नहीं है। ये मौसम यहाँ का बताता है। सैटेलाइट के जरिए हमारे साइंसदान हैं, वो देखते हैं और मौसम का हाल बताते हैं। ये आइस वॉल सामने दिखाई दे रहा है। इसके करीब जा रहे हैं। इसके करीब जा रहे हैं। देखने में तो सामने ही लग रहा था, लेकिन मैंने इस ट्रैक से माजरत ले ली। अभी पिछले ट्रैक से टांगे रिकवर नहीं हुए तो एक और ट्रैक पागल हो गया। चलो। मगर ईशान, गजन और रज चले गए और देखा है। पीछे से मेरी कोशिश रही कि मैं अपने आप को कम से कम यूजफुल रखूं। कप साफ करूंगा। थैंक यू। एक नया चूल्हा लगाया गया। अच्छा लग रहा है। ड्यूलक्स का प्रेरी ग्रास। इससे बेटर एडवर्टाइज क्या हो सकता है? हर टाइम इसका एडवर्टाइज ऑन पॉइंट रहता। यूजफुल दिखाते हैं उसको, वीडियो में यूज करते हैं पूरे सीरीज में। पहले एमआई के टाइम में भी वही हुआ था ना। यस। शाओमी का हमारा खाना लग गया। आ गया।
best. Got maps on my walls from places I've been. Socha ki Shepherd Hut ki completion ko ek aakhri dinner mein celebrate kare. Mulaiza farmaye. Gun masks on the walls. Wow. Itne sare lights. Lamps. दिवाली के डेकोरेशंस जैसा नहीं लग रहा क्या? ये किसका सॉन्ग है अभी? मुझे नहीं पता. बस शुरू हो रही है, बस मेरी बिगड़ते हुए हालात अब आप देखेंगे. जाते जाते जब सब कुछ सूखने लगे तो वक्त आता है लिप बाम का. अगला स्टॉप पानी का 40 मिनट दूर है, तो इसलिए पानी आराम से कंज्यूम किया जाएगा. और मेरा पानी मेरा और मेरी बीवी का पानी है, तो हमें तो और भी ज़रा सोच समझ के पीना चाहिए. हमारे उस तरफ ग्लेशियर है, ठंड माहौल, और हम इधर साथ ही उसके चल रहे हैं, पसीने में शराबूर. वापसी में हम वो वाला रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे जो हमने आते वक्त किया था. इस बार हम ज़रा थोड़ा आसान रास्ता कर रहे हैं. वेट सीन है क्या? सार कैसे पता ही नहीं चला ना. जितना ड्रामा आपके सर में चल रहा होता है सारा ख़त्म हो जाता है जब आप यहाँ के पोर्टर्स को देखते हैं. ज़िंदगी और मौत का खेल आपके सामने इस वक्त पेश खिदमत. किसी पे भी एतमाद नहीं किया जा सकता. इस तरफ जो मिट्टी है इस पे किसका भी कोई एतबार नहीं है. बस अपने आप पे एतबार होना चाहिए. सीबकतौन और मिट्टी पे थोड़ा सहारा सीबकतौन का लिया. इट वॉज अ चैलेंजिंग एंड टेक्निकल ट्रैक. थकावट का मानी आप जानते नहीं जब तक आप ये ना करें. क्या लगा हुआ ना आप सनबर्न का मानी जानते हैं. 12 घंटे चलते रहे भाई, पैक हो गई. होटल के कमरे में आते साथ ही मेरा तो सिस्टम क्रैश हो गया भाई. और मैं ख्वाब देखने लगा, यशपर्थ के ख्वाब. कितना स्मार्ट तरीका है ये. बाकी जो भी वीडियो क्लिप्स दिखाना है इसके थ्रू दिखाएगा, जैसे कि ड्रीम कर रहा. ख्वाबों में कुम उस सिंगिंग में ही सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, सिर्फ वीडियो मेकिंग में भी टैलेंटेड नहीं है वो. ऐसे दिमाग भी उसका ऐसा चलता है कि कैसे इसको यूनिक बनाया जाए. मुझे ये कहना है कि एहसान इस वीडियो में बहुत ही हैंडसम दिख रहा है. ये भी उसके लिए हेयर स्टाइल सब अच्छा रहता है. इसमें यशपर्थ वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल था, मगर अगर मुश्किल ना होता तो मज़ा भी ना आता. थैंक यू ड्यूलक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो. उम्मीद है आपको पसंद आए, और अगर आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. तो होती है फिर मुलाकात अगले व्लॉग में. Muru out. म्यूजिक अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा है इसमें, परफेक्ट. कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि ये कम रह गया वो कम हो गया, सब कुछ अमेजिंग. ये सीरीज देख के मजा आया, इनफ नहीं था और देखना है. बट आई थिंक ये प्लेस के बारे में हमने काफी देखा हुआ है. या लास्ट टाइम बटूरा ग्लेशियर तक पहुंचा था वो, लेकिन आगे नहीं जा पाया था. बट इट्स अमेजिंग जो ऊपर टॉप पे जो विलेज है, मतलब ये टेंट्स जैसे चीज़ है. कितना ब्यूटीफुली उसने ये वीडियो को ड्यूलक्स को प्रमोट किया. दैट इज स्मार्ट. कितना ब्रेन्स है, कितना टैलेंट है. हमने उसके सब तारीफ कर चुके हैं, आपको पता ही है. बहुत एंजॉय किया, होपफुली आपने भी एंजॉय किया. हम तो बिल्कुल फैन हो गए, मतलब
बहुत बड़े हाँ बट अभी ऑब्सेस्ड है और देखने के वेट नहीं कर सकते. बहुत मजा आया बहुत 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 ज़्यादा. अनफॉर्चुनेटली दैट्स इट फॉर दिस सीरीज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू सीरीज. बाय बाय.